This is an ABP Life podcast. विभीषण ने भी भूल चूक में कुछ ऐसा किया था, परंतु प्रभु ने सपने में भी कभी भी आने उसका ख्याल नहीं किया। उल्टा जब वो भरत जी से मिले और उनके सामने आए, तो उन्होंने विभीषण का सम्मान किया और सिर्फ उनके गुणों का बखान किया। Ramayana Diaries, an ABP podcast presentation. Hi everyone and welcome to the second episode of Ramayana Diaries. इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रामायण पढ़ने से या सुनने से होगा क्या? Like you know, there's a reason for everything. क्या ये कर्म का पाठ है या धर्म का? क्या इसमें हमें ओवरलोडेड ज्ञान मिलने वाला है या कुछ मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलने वाली हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे ना आपके दिमाग में जब हमने अपना पहला एपिसोड रिलीज किया। तो आइए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं धीरे धीरे और शुरू करते हैं अपना रामायण डायरीज का एपिसोड 2। रामायण की बात चल रही है तो सबसे पहले हमें रामायण का अर्थ पता होना चाहिए कि रामायण का मतलब क्या है। देखा है हमने, सुना है हमने, जाना है इसे हमने, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ आता है राम प्लस आयान, रामायण। सो भगवान की जो पथ है, जो रास्ता है, जर्नी है जिसे हम कह सकते हैं, तो ये एक राम जी की यात्रा है पूरी। सो जैसे कि राम जी जब ह्यूमन लाइफ साइकिल के दौरान उन्होंने अपना जन्म लिया और क्या क्या रास्ते उन्होंने चुने, उसके बारे में इसका पूरा विश्लेषण किया गया है। रामायण में बहुत सारे पात्र हैं, ये इतने कैरेक्टर्स का एक संगम है कि आप मतलब वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी इज दैट आपको हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब चाहे वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर हो जैसे कि राम, या फिर एक एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर हो जैसे कि रावण। तो हम आज कैरेक्टर्स की बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हम उनकी लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं। प्रभु राम की जब हम बात करते हैं तो राम जी का जो कैरेक्टर दर्शाया गया है पूरे रामायण में, उनकी जो सबसे खास बात और जो मुझे बेहद पसंद है कि उनसे ये सीखा जाए कि हाउ टू फॉरगिव समवन, जो कि आज की हमारी लाइफ में बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमारा ईगो सामने आ जाता है। हम सामने वाले की गलतियों को सालों साल तक नहीं भुला सकते, एंड यू नो दैट हैम्पर्स यू सो मच डीप इनसाइड। आप हमेशा उनकी गलतियों को याद करते रहते हैं। लेकिन अगर राम जी की बात करें तो प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक को कभी याद ही नहीं रखते थे, और आप मानेंगे कि वो अपने भक्तों के सिर्फ अच्छे कामों को याद करते थे, और वो भी एक नहीं सौ सौ बार याद करते थे। कहते हैं, सोई करतूते विभीषण केरी, सपने होना राम ही हेरी, ते भरतई भेतत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। यानी विभीषण ने भी भूल चूक में कुछ ऐसा किया था, परंतु प्रभु ने सपने में भी कभी भी आने उसका ख्याल नहीं किया। उल्टा जब वो भरत जी से मिले और उनके सामने आए, तो उन्होंने विभीषण का सम्मान किया और सिर्फ उनके गुणों का बखान किया। तो ये कहलाता है फॉरगिवनेस का नेचर भी, एंड ये कहलाता है बड़ापन भी, कि आपके आपके साथ अगर किसी ने कभी कोई भूल चूक में गलती कर दी है या कर दी है, तो यू डोंट कीप रिमेम्बरिंग दैट ओनली कि यार उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, वो किया था। वो आपकी लाइफ में लेयर्स जमती जाएंगी, और जब आप उस इंसान से मिलेंगे तो आप उस इंसान से नहीं मिलेंगे, आपने अपने मन में उसकी एक छवि बना रखी है कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं कर सकता, एंड ऑल दैट। एंड ये एक ऐसी बैलेंस शीट है जो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती रहती है लाइफ में, और सामने वाले को शायद पता भी नहीं होगा उस गलती का, उसको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन सिंस आपने उस गलती को रजिस्टर कर लिया अपनी लाइफ में और आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, तो आपके जो कर्म की बैलेंस शीट है
ये कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करती जाती है, क्योंकि आपने उसको माफ़ नहीं किया और ये एक आपकी ज़िंदगी का एक भार बन जाएगा। तो सामने वाले से आपका रिश्ता तो ख़राब हो गया ही होगा, लेकिन आपके मन में आप कितनी लेयर्स इकट्ठी कर रहे हैं ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। सो इससे एक ये लर्निंग है कि फॉरगिव समवन, हम एकदम एक मिनट नहीं लगाना चाहिए किसी को फॉरगिव करने के लिए। और हमें अगर याद रखनी है सामने वाले की, तो सिर्फ अच्छाइयाँ याद रखनी है और उसका वर्णन यानी उसका बखान, उसका आपको डिस्क्राइब करना है लोगों को एक नहीं सौ सौ बार कि फलाना ये काम करता है, उसने कितना अच्छा काम किया, उसने किया कि नो, शो ग्रैटिट्यूड एंड लव टू दैट पर्सन। सो लाइक वी से दैट यू नो अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, पर आप कौन से साइड को देख रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। और ये डिसीजन अगर सही किया जाए कि हमें लोगों की बुराइयों को ध्यान में नहीं देना है, और जैसे प्रभु ने कहा सपने में भी ध्यान में नहीं देना है, मतलब रियलिटी में तो भूल ही जाओ, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में भी कभी सामने वाले की बुराई नहीं आनी चाहिए। जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो कहानी के शुरू में ही रामायण में सबसे पहले दशरथ जी के बारे में बात होती है। दशरथ जी जो कि अयोध्या के राजा थे और राम के पिता थे, उन्होंने ही एक ऐसा डिसीजन लाइफ में लिया था जो कि डिसीजन से ज़्यादा कमिटमेंट उनके ऊपर भारी पड़ गया था। उन्होंने कैकेयी को ये कमिटमेंट दिया था कि मुझसे तुम लाइफ में कभी भी दो वरदान मांग लेना, लाइक इट्स एन ओपन कमिटमेंट। तो यहाँ पे ये लर्निंग है कि कभी भी लाइफ में ना किसी को ओवर कमिट मत करो, क्योंकि वो आपके ऊपर इतना हावी पड़ सकता है, जैसे दशरथ जी की जान चली गई क्योंकि उन्हें 14 साल के लिए वनवास प्रभु को भेजना पड़ा और उसके लिए उनको मजबूर किया गया। और राम जी के वनवास जाने के बाद तो दशरथ जी का दिल ही टूट गया। सो कहने का मतलब यह है कि ही वॉज कॉट इन हिज ओन वेब ऑफ कमिटमेंट्स, कि आप कभी कभी चाहे अपना बॉस हो, चाहे अपने घर पे हो, अपने पार्टनर हो या किसी को भी, आप कभी कभी ओवर कमिट कर देते हैं एंड देन यू रियलाइज दैट शिट, मैं तो उस वेब में बिल्कुल फंस गया हूँ और अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकता बिकॉज आपने जुबान दी है किसी को। तो कुछ भी कमिट करने से पहले 10 बार सोच के कमिट करें, क्योंकि अगर आपने किसी को अपनी ज़ुबान दी है और जब वो पूरी करनी पड़ी तब क्या सिचुएशन होगी यू नेवर नो। सो उनसे एक चीज़ ये ही हमें सीखने को मिलती है कि लाइफ की सिचुएशन कैसी भी हो, कमिटमेंट्स उतने ही करो जो आपके कंट्रोल में हो। उस टाइम पे जब दशरथ जी ने खुश हो के कैकेयी को कह दिया था प्यार में या मोह में आके कि तुम मुझसे दो वरदान मांग लेना, लेकिन कैकेयी ने बड़ी चतुराई से और मंत्रा के बहकावे में आके जब ये वरदान मांगा कि राम जी को वनवास भेजा जाए, क्योंकि वो भरत के लिए गद्दी चाहती थी, तो वो राज गद्दी की लड़ाई के लिए उन्होंने पूरा घर तोड़ दिया, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी उनको वनवास जाना पड़ा और उनके जाते ही दशरथ जी ने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली। तो ले दे के मिला क्या, कैकेयी को भी कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि भरत भी उनसे उतना ही नाराज़ हो गए, क्योंकि भरत के लिए प्रभु राम से ऊंचा कोई था ही नहीं। तो हर तरीके से ये एक लॉस वाली सिचुएशन थी। जब भाई भरत की बात आती है तो भरत के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कहानी में, तो उनका टेक अवे सबसे ज़्यादा ये है कि वन इज़ डिटर्मिनेशन, जो उन्होंने भक्ति दिखाई है अपने भाई के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। यानी जब भरत को पता चला कि प्रभु वनवास चले गए हैं और 14 साल का कड़ा वनवास है, तो उनको मनाने के लिए गए और प्रभु ने वापस लौटने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि भरत चाहते थे कि प्रभु वापस आएं, गद्दी संभालें, राज सिंहासन संभालें, लेकिन राम जी अपनी डेडिकेशन पे थे और उनको पिता को दिया हुआ वचन निभाना था। तो भरत ने राम के खड़ाऊ यानी जो उनके फुटवेयर्स थे जो लकड़ी के बने होते हैं खड़ाऊ, उनको लाकर, क्योंकि राम जी ने तो आने से मना कर दिया, तो प्रभु ने ये बोला कि एज अ टोकन मैं तुम्हें अपने खड़ाऊ दे सकता हूँ। तो भरत ने लेकिन उन खड़ाऊ का इतना सम्मान किया कि उन खड़ाऊ को
अपनी राज सिंहासन अपनी गद्दी पे बिठाया कि कहा कि राम ही सच्चे राजा हैं, मैं नहीं हूँ। और तो और भरत ने अयोध्या शहर से बाहर रहकर अयोध्या को अगले 14 वर्षों के लिए राम की रियासत मानते हुए राज किया, लेकिन राम की रियासत मानते हुए। सो यू नो, ये डिटर्मिनेशन एंड रिस्पेक्ट बिटवीन द ब्रदर्स, इट इज सो सो इंस्पायरिंग। क्योंकि आजकल जो माहौल है हम भी देख रहे हैं कैसे हो रहा है, कि बीट लैंड या घर में फिनेंशियल इश्यूज की वजह से भाइयों में लड़ाई हो जाती है एंड ऑल दैट। लेकिन आई थिंक ये जो इंस्पिरेशंस हैं हमें ये सिखाती हैं कि कैसे रिस्पेक्ट, मतलब इस रिस्पेक्ट के लेवल को आप क्या कहोगे कि वो ना सिर्फ प्रभु को मनाने गए, प्रभु ना आ पाए तो उनके खड़ऊ ले आए एज अ टोकन, और उन्होंने सिंहासन में खड़ऊ रखे वहाँ पे। एंड दैट इज़ द रिस्पेक्ट दैट यू गिव टू योर लव्ड वंस। अगर आपने किसी को दिल से चाहा है तो उसको दिल से ही उसका सम्मान करो, एंड सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि वी रियली लव यू, वी रियली रिस्पेक्ट यू, बट जब रिस्पेक्ट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। बट जब हम ये कहानी सुनते हैं और रामायण से इंस्पायर होते हैं तो ये देखते हैं कि कितनी ब्यूटी दिखाई गई है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ टू ब्रदर्स ऑल्सो। आई डोंट थिंक रामायण वुड हैव बीन एन एपिक दैट इट इज़ विदाउट एनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स। आई मीन जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, जैसे कि राम जो कि हमेशा से बहुत ही सज्जन, प्रभु, धार्मिक, बहुत ही धर्मी इंसान, और वहीं उनके कॉन्ट्रास्ट में रावण जो कि हमेशा अहंकारी, गुस्सैल और नष्ट करने वाला, और यू नो जो कभी बदलना ही नहीं चाहता था। सो मुझे जब मैं रावण की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं तो एक इंसाइट जो मुझे उसकी कहानी से निकल के आता है कि रावण कभी बदलना ही नहीं चाहता था, यहाँ तक कि बदलने के बजाय मतलब वो उसे मरना पसंद था लेकिन वो बदलना नहीं चाहता था। लुक एट द ईगो दैट पीपल हैव, कि आप बदलना नहीं चाहते। और इस लर्निंग से मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि हमारे आसपास भी, एनवायरनमेंट पे इफ यू सी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि थोड़े से रिजिड हैं लाइफ में, वो ना बदलना नहीं चाहते। और ऐसे लोगों के लिए मुझे जो लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है आगे जाके, बिकॉज बीइंग फ्लेक्सिबल इज़ द की ऑफ लाइफ। आपको एक नदी की तरह, जैसे एक नदी टर्न्स लेती है एंड यू नो जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर इन योर लाइफ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जब आपको बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ योर लाइफ, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट यू आर इन। क्योंकि अगर आप रिजिड रहेंगे कि मैं तो हमेशा से ऐसे ही करते आया हूँ और ऐसे ही करूँगा, यू नो इट्स वेरी वेरी नेगेटिव थिंग, एंड इसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव पड़ता है आपके ऊपर और एनवायरनमेंट में तो पड़ता ही है। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमें बदलना चाहिए, अच्छे के लिए बदलना चाहिए ऑब्वियसली, मैं इधर बुरे की बात नहीं करूँगी क्योंकि हम हमेशा अच्छाई ही सीखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो बदलना इज़ द की। यू नो यू शुड नॉट बी रिजिड कि मेरा तो ऐसे ही काम चलता है, मैं तो ऐसे ही, आई एम लाइक दैट ओनली, यू नो इट शुड नॉट बी द केस। आपको समय के हिसाब से, अपने लाइफ के फेज के हिसाब से, और जो अच्छी चीज़ें सीखो हर दिन सीखो, लोगों को ऑब्जर्व करो किसमें क्या चीज़ अच्छी है, किसकी क्या अच्छाई है, क्या मैं भी ये अच्छाई अपनी लाइफ में ला के अपनी लाइफ को थोड़ा सा बदल सकती हूँ। ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल। क्योंकि हम कुछ भी सीख के नहीं आए थे बचपन से, हमने बचपन से लेके अभी तक चीज़ों को सीख सीख के ही अपनी लाइफ में अप्लाई करते गए और ऐसे बनते गए, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अप्लाई करें। इसी उम्मीद के साथ आज का ये एपिसोड रामायण डायरीज हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अभी कैरेक्टर्स बहुत बाकी हैं और कहानी और भी बाकी है, तो सुनते रहिए रामायण डायरीज बाय सोनल। तब तक के लिए जय सिया।